दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल गुरबिंदु होम्स पर। दोस्तों आज हम बहुत ही खास लोकेशन के ऊपर आए हैं जो कि बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, बिल्कुल क्रिकेट सोसाइटी है हमारी, 15 एकड़ की टाउनशिप है जहाँ पे हम 1, 2 और 3 BHK के अपार्टमेंट्स रहेंगे। और ठीक हमारे सामने है 1450 स्क्वायर फिट के अंदर 3 BHK अपार्टमेंट्स जिसमें कि लिफ्ट आपको मिल जाती है, बायोमेट्रिक्स हैं, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी साथ है, लेस है। ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर है तो आपको स्कूल, कॉलेज, मॉल, मार्केट, हॉस्पिटल किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। दोस्तों पूरी सोसाइटी के अंदर जो रोड्स हमें बिल्कुल वाइड मिलती हैं, 60 फीट की रोड्स है ताकि आपकी जो पार्किंग है वो साइड पे आराम से हो सके। ग्रीनरी साइड पे बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। उसके बाद हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं आप देख सकते हैं ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं वहाँ पर आपके लंबे लंबे कॉरिडोर्स हैं ताकि आप किसी भी लिफ्ट से आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। फ्रंट आपका बहुत ही खूबसूरत सा दिल खुश कर देने वाला और खूबसूरत सी आपके लिए। वाह यार ये चीज़ ना दिल खुश। आप चाहे उधर वाली लिफ्ट से आए चाहे यहाँ से आए, एक फ्लोर पे हमारे पास जो है 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे। और दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपने कॉरिडोर के अंदर। ये बड़े खूबसूरत से कॉरिडोर्स हैं हमारे और ये हमारा मेन एंट्रेंस रोड। और दोस्तों बता दूँ एक चीज़, ये हमारा अपार्टमेंट जो रहेगा ये 3, 2+1 भी बोल सकते हैं, ऐसे 3 BHK भी बोल सकते हैं। हमारे पास यहाँ डबल एंट्रेंस रहेगी 3 BHK के अंदर भी। अगर आपको लगता है कि आपको एक सेपरेट टेनेंट चाहिए या फिर आपको साइड पे ऑफिस रखना है तो उसके लिए सेपरेट एंट्री रहेगी, बाहर से आएंगे वहीं से जाएंगे। और बड़ा खूबसूरत सा हमारा मेन एंट्रेंस डोर हमारा यहाँ पर और उसके साथ एक डिजिटल लॉक, जी हाँ शानदार सा लॉक हमें मिलता है। और जैसे ही थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं बहुत ही खूबसूरत सा हमारा अपार्टमेंट, जी हाँ यार आदमी तसल्ली तो ना यहीं पर आके हो जाती है, क्या बात है। एक बड़ा सा खूबसूरत सा अपार्टमेंट हमारा, यार आप बिलीव नहीं करोगे 1450 स्क्वायर फिट के अंदर क्या स्पेस निकाली है, दिल खुश हो जाता है। दोस्तों अपार्टमेंट दिखाने से पहले मैं आपको पहले साइड वाला बेडरूम दिखा देता हूँ क्योंकि ये बड़ा अलग सा बेडरूम है, एक अलग स्पेस है हमारे अपार्टमेंट की। दोस्तों ये हमारा एक साइड पे बेडरूम है जिसके लिए आपके पास सेपरेट एंट्री है, आप इजीली अगर उस तरफ से आना चाहते हैं तो वहां से भी आ सकते हैं हम। काफी अच्छी स्पेस हमें इस बेडरूम के अंदर मिल जाती है। देखिए बेड लगाने के बाद हमारे पास स्पेस ही स्पेस है, एक बड़ी सी प्यारी सी खिड़की है यहाँ पर जहाँ से हम सुबह सुबह बाहर के नज़ारे ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो हमारा पूरा रूम है वो यार सीलिंग पर बड़ा प्यारा सा डिजाइन है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है लेकिन जितना है बहुत अच्छा है यार, बहुत ज्यादा हैवी करने से कोई फायदा नहीं होता यार, मजा नहीं आता। चीज कुछ दिन के लिए अच्छी लगती है लेकिन उसके बाद फिर से हमें वो फीलिंग आती है कि यार बस शायद ऐसी थी। और ये हमारा वॉशरूम, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा टाइल्स आपकी सीलिंग की हाइट तक जाती है, ऊपर भी आपके जो कॉम्प्लेंट्स लगे हुए हैं प्यारी सी टाइल्स आपकी, कलर बहुत अच्छे यूज किए हैं, जितनी चीज आपकी सैनिटरी रहेगी सारी ब्रांडेड रहेगी जैगुआर की, अकेला जैगुआर नहीं है यार, डिजाइन भी बहुत अच्छा है। देखिए सारे वॉल माउंट है, देखने में अच्छे लगते हैं। और सिर्फ यही नहीं यार, आपकी स्पेस जो होती है वो बहुत कम यूज होती है यहाँ पर। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और बता दूं आपको यहाँ से हमारे पास खिड़की है और इसके साथ इस तरफ हमारे पास जो है बालकनी आ जाती है, बालकनी में हमारे पास स्पेस बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमारी किचन है, और दोस्तों वापस आते हैं अपने ड्राइंग एरिया वाले सफर पर जो कि खूबसूरत सा 22 फीट का हमारी लेंथ रहेगी और 11 फीट की इसकी विड्थ। और देखिए क्या साइज है यार, क्या बात है, बहुत ही अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है। मैं इस तरफ दिखाता हूँ आपको, ये बिल्कुल आपका जो है 7 सीटर यहाँ पर लगा हुआ है और अगर आप चाहें तो यह 9 सीटर लगा सकते हैं, उसके बाद भी हमारे पास स्पेस बहुत अच्छी रहेगी। ये डिजाइन बहुत ही अच्छे से किया गया, बहुत ही सोच सूझबूझ के साथ इसको किया गया डिजाइन। और ठीक मेरे इस तरफ आपका जो है डाइनिंग टेबल,
जी हाँ, काफी अच्छी स्पेस। आप देखिए बीच में स्पेस कितनी अच्छी है चलने फिरने के लिए। आपका कोई भी ऐसा नहीं कि आने जाने वाला कोई बीच में फंसेगा एक दूसरे के। और बता दो दोस्तों, आपकी सीलिंग पर जो डिजाइन हमें मिल रहा है वो ऐसे एज इट इज ही मिलने वाला। आप ये लगा लीजिए कि हमें अगर सेमी फर्निश लेते हैं तो इसका फर्नीचर हटा कर बाकी सब एज इट इज ही हमें मिलने वाला है। और इसमें काफी डिजाइन है, जैसा आप चाहोगे वैसा हमें मिल जाएगा। प्राइसिंग आपको नीचे मिल जाएगी, साइजेस को नीचे मिल जाएंगे। 1450 स्क्वायर फीट के अंदर वाकई बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन दिया गया। तो दोस्तों हमारे जो डाइनिंग एरिया है, आप देखिए 6 सीटर आपका रखा, उसके बाद स्पेस कितनी अच्छी हमें यहाँ पर मिल जाती है। वाह, स्पेस के मामले में ना यार डिज़ाइन जो किया है वो वाकई बड़ा प्यारा सा किया गया है। कोई भी आता जाता एक दूसरे के अंदर फंसेगा नहीं। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन दोस्तों। जितने भी नीचे टाइल्स आपको मिलेंगे सारी HD टाइल्स है, वेट्रीफाइड है, डबल चार्ज, बहुत ही प्यारी। और ये हमारी एक खूबसूरत सी किचन, वाकई यार जिसको बोलते हैं ना हार्ट ऑफ द हाउस, एग्जैक्टली वही चीज है ये। बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया। और इसका डिजाइन करने का तरीका आप देखिए कितना अच्छा है। आप इस तरफ हैं, सिर्फ डाइनिंग एरिया जो है आपका सेंसिबल है, इस तरफ नहीं। कोई गेस्ट आपका आता है तो आपके किचन की तरफ उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा सकता, सिर्फ वही गेस्ट आपका डाइनिंग टेबल पे आएगा जिसको आप चाहेंगे। तो दोस्तों किचन जो हमारी रहेगी 2 साइड रहेगी, ड्राई और वेट कॉन्सेप्ट के साथ, एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। आपका काउंटर टॉप जो रहेगा सारा कॉस्मो का रहेगा। इसके अलावा अगर आप ग्रेनाइट चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा सा कलर आ, देखिए सॉफ्ट टच है। मैं आपको शायद फोन में इसको यार आपके स्क्रीन पे इसको महसूस नहीं करा पा रहा हूँ, अगर आप आके खुद देखेंगे तो यार दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही प्यारे से टाइल्स यहाँ पर दी गई हैं, जिनको देख के वैसी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है यार। ये डिजाइन अच्छे हो ना तो दिल खुश होता है, तो दिल खुश हो तो यार खाना अच्छा बनता है, खाना अच्छा तो फैमिली यार हमेशा खुश रहती है। तो यार बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है एक चीज के साथ। और यहाँ पर आपका जो है कटलरी सेट के लिए स्पेस काफी बड़ी है। यूजली ये भी मैंने देखा यार छोटे छोटे से स्पेस यहाँ पर दी गई होती है, या हर चीज के लिए अलग से पार्टीशन आपको दी गई है। और बिल्कुल सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ है, लेकिन भी काफ़ी हैवी है, काफ़ी अच्छी वेट कैपेसिटी के साथ है। स्टोरेज हमारे पास यहाँ पर इतनी है कि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो बाहर रहने वाली नहीं है। जी हाँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कोई चीज़ हमारी एक आपके बाहर रहेगी कहीं पर भी, नहीं। बड़े बड़े कैबिनेट्स दिए गए हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि छोटे होंगे। और डिजाइंस वाह क्या कहने यार। एक साथ में हमारे पास डिजिटल, क्या बात है। और हॉब जो हमें एज इट इज मिलने वाला है, वाह। और दोस्तों दूसरी तरफ जो हमारे पास आएगा डबल सिंक आ जाएंगे हमारे, स्टेनलेस स्टील की आपकी सिंक रहेगी। काफी अच्छा मटेरियल है, साउंडलेस है, टॉप काफी अच्छा है। और देखिए बिल्कुल ब्रांड के साथ डिजाइन भी बहुत बेहतरीन है। ये होती है हर बात, यहां से पता लगता है कि यार दिल खोल के काम किया गया है। और आप देखिए आपके यूटेंसिल जितने भी हैं, बर्तन आप धोइए ऊपर रखिए, ज्यादा गंद नहीं पड़ेगा कुछ भी, आपका पानी निचड़ के यहाँ पर आ जाएगा। ये ट्रे आपकी है, सीधी यहाँ पर सिंक में नीचे उल्टी कर सकते हैं आप, तो पानी सारे किचन में नहीं गिरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दोस्तों ये आपका जो ग्रेनाइट है रखा है, इसको सिर्फ इसलिए कि अगर आपको लगता है कि व्हाइट कलर आपको नहीं ठीक लगता तो हम यहाँ पर ग्रेनाइट डार्क भी लगा सकते हैं, ये आपके चॉइस पर रहेगा। नीचे हमें कैबिनेट्स पूरे मिलेंगे प्रॉपर, हमारे पास स्पेस रहेगी, डेडिकेटेड स्पेस रहेगी आपके माइक्रोवेव के लिए, बहुत जरूरी चीज़ होती है। ऊपर स्पेस हमें पर मिल जाएगी, स्टोरेज काफ़ी अच्छी, और इधर भी हाइड्रोलिक्स के साथ। इसके अलावा हमारे पास एक बड़ी सी अलमीरा यहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ पर आपका जो है मैक्सिमम सामान आपका यहाँ पर आ जाएगा। यार कहने का मतलब है कि हमारी जो किचन है ना वो कंप्लीट है। इसके अलावा आपकी कोई चीज़ यहाँ पर बाहर हम रहने नहीं देंगे। और आपका जो रेफ्रिजरेटर है बड़ा से बड़ा और डबल डोर वाला, जैसे अलमीरा फ्रिज भी बोलते हैं, वो यहाँ पर आराम से आ जाएगा। तो यार कुल मिला के ना आपकी किचन इतनी खूबसूरत है कि आप इसको देख के मना कर ही नहीं पाओगे, दिल जीतने वाली। और ये हमारी बालकोनी जो हमने उस बेडरूम के साथ देखी थी, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी एक्सेस है, ईजिली आप अपनी वॉशिंग मशीन अगर यहाँ रखना चाहते तो रख सकते हैं, अदरवाइज जैसे आप इसको यूज़ करना चाहें वैसे ही। और बढ़ते हम आगे की तरफ, हमारा फर्स्ट बेडरूम, हमारा फर्स्ट बेडरूम बहुत ही शानदार, बड़ा सा और खूबसूरत सा। जी हाँ, 14x11 एक बेहतरीन सा साइज,
ये बड़ा सा आपका बेड लगा हो, उसके बाद भी हमारे पास स्पेस कितनी प्यारी है यार यहाँ पर। आप जैसे यूज करना चाहते हो ना स्पेस को, वैसे कीजिए, आपकी स्पेस में कभी कोई कमी नहीं आएगी। खूबसूरत सी सीलिंग है, साथ में यहाँ पर हमारी जो वार्डरोब्स आ जाती है वो बड़ी प्यारी सी हैं, स्लाइडर डोर्स के साथ हैं, काफी अच्छी स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाती है। और स्पेस हमारे पास यहाँ भी काफी अच्छी आ जाती है। और दोस्तों बता दूं आपको, जो हमारी अलमीरा है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, सो दैट यहाँ पर आपका जो है लुकिंग ग्लास लग जाएगा, तो मतलब कि ड्रेसिंग मिरर भी आपको साथ में मिल जाएगा, बड़ी सी अलमीरा हो जाएगी, तो आपकी जो स्टोरेज है वो मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर कोई सामान कुछ थोड़ा बहुत अभी कुछ रखने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही खूबसूरत। और इसके साथ चलते हैं हम अपने वॉशरूम की तरफ, और ये वॉशरूम भी ऐसा है जो आपको दीवाना बना देगा यार। एग्जैक्टली ये पूरा घर ही ऐसा है जिसने मुझे अपना दीवाना बना दिया। बड़ा सा वॉशरूम हमारे पास यहाँ पर, आप देखिए काउंटर पे कितना प्यारा सा आपका जो है सिंक रखा है, डिजाइनर है, पहले से टैप्स आपके यहाँ पर हैं, उसके बाद नीचे से भी आप देखें तो यार बात ही अलग है इस वॉशरूम की। बड़ा सा मिरर, और आपका जो ड्राइवर बेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका अलग से रहता है, आपके नहाने धोने के लिए सब कुछ यहाँ पर, एक खिड़की और ऊपर आपकी जकूजी। यार यहाँ पर रेन वाटर डाल से आपका यहाँ पर चलेगा आज। और मुझे समझ आ रही है कि आप जब नहाने जाएंगे तो मेरे ख्याल से काफी टाइम आपका यहीं पे बीत जाएगा। और उससे यहाँ पर हमें इसके बीच में भी काफी अच्छी स्टोरेज मिल जाती है। यार स्टोरेज के मामले में यार वैसे इस घर के अंदर आपको कहीं पे कोई कमी नहीं मिलेगी। मुझे पता है यार आपको जितना पसंद ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, इससे कहीं ज्यादा तब आएगा जब आप खुद इसे देखने आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमारी खिड़की जो कि हल्की सी टेंटेड की हुई है, ताकि यार आपके जो एसीज हैं उनका ज्यादा जोर ना लगे। और कहा तो इसके बाद जो हमारी पीछे बालकोनी है, वाह यार एक बड़ी सी बालकोनी। यार हमारे बहुत से लोगों का ना एक होता है कि यार बालकोनी आपकी 4 फुट 5 फुट में खत्म हो जाती है, 10 फीट की बालकोनी क्या बात है। इस पैपेट आपको अलग से शू रैक आपको यहाँ मिल जाएगा, उसके अलावा ऊपर छोटी सी स्टोरेज मिल जाएगी हमें। आपकी हर चीज़ को अच्छे से यूज़ किया गया, आपके टैप्स पावर पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, और इस तरफ हमारी जो रहेगी स्टोर रहेगा। इसे अगर आप एज अ पूजा रूम यूज़ करना चाहते हैं तो दैट इज़ अप टू यू। तो यार क्या बात, आप देखिए एक ऐसा नहीं कहूँगा कि यार दो चेयर्स लगाएं और मजा लें, यार पूरी फैमिली बैठे, क्या यार धूप कितनी अच्छी आ रही है, ये होते हैं मजे। एक अच्छा सा वेदर हो यार, लोकेशन ना कुछ ऐसी है कि यार छुट्टियां मनाने आते हैं ना, वैसी फीलिंग आती है इसे देखकर। यार आपको लगता है ना कि आपको एक ऐसी चीज चाहिए जहां पर आप यार रिलैक्स होके फ्री से आप पूरा अपनी लाइफ निकालना चाहते हैं, तो यार ये लोकेशन एग्जैक्टली आपके लिए है। और ये हमारा सेकेंड बेडरूम जो कि सेम 14x11 का रहेगा, काफी अच्छा साइज है यार दोनों बेडरूम्स का, कूल डूलर सा एरिया आपको मिल जाता है पूरे घर के अंदर। एग्जैक्टली सेम जैसे हमने पहले देखा था, एक बड़ा सा बेड उसके साथ टेबल्स, और यहाँ पर एक अच्छी सी खुली डुली सी जगह, और खूबसूरत सा वॉलपेपर, सेम इस तरफ एक बड़ी सी हमारी अलमीरा जहाँ पर आप इजीली और स्टोर कर सकते हैं जितना सामान करना है। तो और ये अलमीरा इतनी नहीं यार, और बड़ी हो जाएगी जो कि आपकी यहाँ तक आ जाएगी। सो हमें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा जो बचा कुछ सामान है वो कहाँ आएगा, सारा का सारा अंदर ही आएगा यार। तीन बेडरूम्स, तीनों के साथ अटैच वॉशरूम्स, और तीनों बड़े खूबसूरत से वॉशरूम्स है यार, बिल्कुल डिजाइनर। सीलिंग तक की आपकी सारी टाइल्स ऊपर जाती हैं, बड़े अच्छे से कलर्स हर जगह पर दिए गए हैं, और एक अच्छे ब्रांड के साथ एक अच्छा डिजाइन आपको यहाँ पर हर जगह मिल जाता है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जहां पर आपको देखकर लगे कि यार यहाँ पर कॉस्ट कटिंग थी या कुछ भी ऐसा था। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो यार प्लीज एक लाइक जरूर ठोके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपना प्यार हमें ऐसे देते रहे। दोस्तों सेम आपकी खिड़की और बालकनी यहां पर भी, बड़ी सी सोसाइटी है यार हमारी 15 एकड़ की, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फैमिली यहां पर रह रही है ऑलरेडी। तो दोस्तों
इजाजत लेता हूँ आपसे इस वादे के साथ, आपको फिर मिलूंगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।